हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ किया था कि डिस्काउंटिंग जब हम कराते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं ड्रॉवर ड्रॉवी की बुक्स में, और बैंक भी क्या एंट्री करता है, तीनों मैंने समझाया था। अब आइए क्वेश्चन हम लेते हैं और उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिकली उन चीजों को दोबारा करके दिखाएं कि जो क्वेश्चन आपके सामने है तो आपने किस तरीके से उसे डील करना है। आइए, तो हमारे पास क्वेश्चन है दैट ऑन 5th of Jan 2017 विशाल, हमारे पास एक इंडिविजुअल है विशाल, सोल्ड गुड्स टू मंजू। तो विशाल ने गुड्स बेचे हैं किसको, मंजू, और कितने रुपए की गुड्स हैं ये, 7,000 रुपए की गुड्स बेचे हैं 5 जनवरी को। आगे क्वेश्चन हमें कहता है अ बिल इज ड्रॉन पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, एक बिल बनाया गया जिसकी पेमेंट कब होनी है, 2 महीने बाद होनी है, एंड द इट इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मंजू, और जो बिल है उसका एक्सेप्टेंस भी किया गया है, ठीक है, क्योंकि बिल का एक्सेप्टेंस नहीं हो तो बिल कहलाता नहीं है, ड्राफ्ट कहलाता है, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है विशाल जो ड्रॉवर है इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक, उसने उसी दिन इमीडिएटली बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से। देखो डिस्काउंटिंग में डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने होते हैं, तो सेम डे यानी 5 जनवरी को ही हमने बिल को डिस्काउंट कराया। इसके आगे क्वेश्चन हमें कहता है ऑन द ड्यू डेट, जो ड्यू डेट आएगी अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे, ऑन द ड्यू डेट बिल इज ड्यूली मेट बाय मंजू, अब उसकी पेमेंट मंजू ने ही करनी है क्योंकि बिल एक्सेप्ट मंजू ने किया है, ठीक है, तो उसकी पेमेंट हो गई। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आप जर्नल एंट्रीज करके दिखाइए, जर्नल एंट्रीज करके दिखाइए इन द बुक्स ऑफ विशाल एंड मंजू। देखो ये तो क्वेश्चन ने मांगा है, साथ में मैं आपको कहता हूं आपको बैंक की बुक्स में क्या क्या एंट्रीज करनी है वो भी हम आपके साथ सीखेंगे। बुक्स ऑफ बैंक, उनकी बुक्स में क्या एंट्री होगी ये भी मैं आपको साथ में करवाऊंगा इस क्वेश्चन में, ताकि हमको क्लैरिटी आएगी कहां पर क्या चीजें होती है, जैसे मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था इस बारे में। चलिए जी, तो आइए अब सबसे पहले एक काम करें, हमें ड्यू डेट निकालनी है, तो ड्यू डेट देखो बिल की ड्यू डेट है 2 महीने बाद की, अगर 2 महीने बाद की है तो ये मानो पहला महीना खत्म हुआ और ये दूसरा महीना खत्म हुआ, पहला महीना खत्म हो जाएगा 5 फरवरी 2017 को और दूसरा महीना खत्म हो जाएगा 5 मार्च 2017 को। यहां क्या होता है, यहां आकर पीरियड ऑफ बिल एंड्स, पीरियड खत्म हो जाता है। इसमें आपने क्या करना है, इस पीरियड में आपने 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ना है, 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ना है, 3 दिन ग्रेस का मतलब हो गया 5 तारीख के बाद, 6th, 7th एंड 8th, 8th of March विल बी द ड्यू डेट। ये क्या होगी, ये होगी विल बी द ड्यू डेट, ठीक है, तो मैंने आपको टाइमलाइन पर ड्यू डेट निकाल दी। आप चाहें तो 5 जनवरी में 2 महीने ऐड करके फिर 3 दिन और जोड़ दीजिए, तो आपकी ड्यू डेट क्या आने वाली है, यही आने वाली है 8 मार्च, 8 मार्च 2017 हमारी ड्यू डेट होगी। चलिए, एक तो ये पहला काम हो गया, इसे आप अलग से वर्किंग नोट में भी करके दिखा सकते हैं, ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट नहीं किया, मैंने यही आपको समझा दिया है, ये वर्किंग नोट जैसा ही। चलिए इसके बाद आते हैं अब जर्नल एंट्रीज पर। अब जर्नल एंट्रीज की जब आप बात करें तो मैंने 3 फॉर्मेट बनाए हुए हैं क्योंकि 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं डिस्काउंटिंग में हमारे पास, एक तो ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉवी और तीसरा बैंक। क्वेश्चन ने आपसे 2 की एंट्री मांगी है, बट मैं बैंक की भी एंट्री आपको करवा के दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाए क्या क्या होना चाहिए। आइए, तो ये रख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है, विशाल, ठीक है, ये विशाल है, ठीक है, आपको कलर अलग रखा है रेड इस जर्नल का ताकि आपको समझ में आए। विशाल के बाद ये रख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, और ड्रॉवी का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, मंजू, ठीक है, ये मंजू की बुक्स हो जाएंगी। और इसके बाद ये आ गया हमारे पास एक और इसमें हम रख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ बैंक। बैंक क्या है, जो डिस्काउंटिंग कर रहा है, ठीक है, जो डिस्काउंटिंग सर्विस आपको दे रहा है वो हमारे लिए बैंक है, एक पार्टी है, 3 पार्टीज है और तीनों के लेजर मैंने फॉर्मेट बना रखे हैं। आइए वन बाय वन चले, सबसे पहले 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2017 को क्या हुआ है, विशाल ने गुड्स बेचे हैं मंजू को, तो मंजू डेटर बनेगी, मंजूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि हमने माल बेचा है उधार में तो ये डेटर बन गया, 7,000 का सामान था, 7,000 के गुड्स हैं, ये लीजिए, जर्नल एंट्री हो गई। नरेशन लिख दें, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट,
उधार में हमने गुड्स बेच दिए, सामान बेच दिया जी। इसके बाद आए, ये तो विशाल की बुक्स में एंट्री हुई, मंजू क्या एंट्री करेगी अपने यहां पर, ये देखें मंजू की भी डेट यही आएगी 5 जनवरी, क्योंकि उसने माल बेचा है विशाल ने, तो इन्होंने खरीदा है 5 जनवरी को। ये कहेंगे हमने माल खरीदा है, यानी परचेजेस अकाउंट, गुड्स खरीदे हैं, तो परचेज अकाउंट आएगा, ठीक है, डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है हमारा? विशाल, क्योंकि उधार में खरीदा है, विशाल अकाउंट, ठीक है, 7,000 के गुड्स आ गए। चलिए जी, अब जिस दिन माल खरीदा और बेचा गया है उस दिन, अच्छा, माल खरीदने की एंट्री क्या हो गई? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार में आपने गुड्स खरीद लिए। इसके बाद देखिए, अब यहां ये तो ड्रॉवर ड्रॉवी यानी बायर और सेलर है, एंट्री एंट्री हुई। अगर बात करें ड्रॉवर सेलर के अलावा बैंक की, तो बैंक आज के दिन कोई भी एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आज तो गुड्स बेचे गए हैं 5 तारीख को, 5-1 को, यहां हमारे साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं, बैंक कहता है मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूं आज के दिन, तो अभी मैं नहीं आया हूं इन पिक्चर, इन सिनेरियो वो नहीं आया है, ठीक है। 5 तारीख के बाद चले हम लोग, सेम डे कहता है क्वेश्चन की, सेम डे विशाल ने उस बिल को, अच्छा पहले तो बिल बन जाए, अभी बिल नहीं बना, सॉरी जी, अगली ट्रांजेक्शन लिखें इसी डेट की, अब चलो डेट डाल देते हैं हम लोग 5/1/17 को ही। 5/1/17 को हमारे पास क्या हो रहा है? बिल बनाया जा रहा है और उसे एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है मंजू से। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस मिला, तो यहां पर विशाल क्या एंट्री करेगा? एक्सेप्टेंस के दिन ऑन, मैं लिख भी देता हूं ये किसकी हम एंट्री कर रहे हैं, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल बाय मंजू। जब मंजू बिल को एक्सेप्ट करेगी तो क्या एंट्री होगी, इस पर हम चर्चा करें। हम कहते हैं जब बिल मंजू ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब हमें पैसा किससे मिलना है? बिल रिसीवेबल से मिलना है। तो हमारा डेटर कौन है? बिल रिसीवेबल, ठीक है, हम इससे पैसा लेंगे और उसे दूसरे को हम हटा देंगे। जो पहला हमारा डेटर बना हुआ था कौन था? इससे पहले हम कह रहे थे हम मंजू से पैसा लेंगे, तो हम कह रहे हैं नहीं, अब हम बिल से पैसा लेने वाले, तो पुराने डेटर को खत्म किया, क्रेडिट कर दिया। कितने से? 7,000 से, क्योंकि मंजू ने एक्सेप्टेंस दे दिया है बिल पर, ठीक है। वी आर रिसीव्ड फ्रॉम मंजू, ठीक है जी। चलिए, अच्छा, आज के दिन अगर बात करें कहां पर, यहां 5/1/17 को ही मंजू ने एक्सेप्टेंस दिया है, यानी अब इसने पेमेंट करने का वादा किसको दे दिया कि पेमेंट अब मिलेगी बिल को, जो बिल लेकर आएगा उसे पैसा मिलेगा। तो कहते हैं मैं भी अपना पुराना डेटर खत्म करूं, सॉरी क्रेडिटर, तो पुराना क्रेडिटर है हमारा विशाल, विशाल्स अकाउंट डेबिट टू किसको पेमेंट करनी है, अब हमें बिल को पेमेंट करनी है, बिल पेबल, क्योंकि पेमेंट करनी है तो उस बिल का नाम क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम बिल पेबल हो गया, जिसे पे करना है उसके लिए पेबल, जिसे रिसीव करना है उसके लिए बिल रिसीवेबल। अमाउंट वही 7,000 का बिल बना है, कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि कुछ और बताया नहीं है क्वेश्चन ने, ठीक है। बिल पेबल एक्सेप्टेड, ठीक है जी। चलिए, ये कब हुआ है? वही एक्सेप्टेंस पर ये भी एंट्री हुई है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टेंस के दिन भी अगर बात करें हम लोग बैंक में, तो बैंक कहता है नो एंट्री, आज भी कोई एंट्री नहीं करेगा ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, भी बैंक के यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी बैंक, क्योंकि आज भी पार्टी नहीं है। अगले दिन आते हैं, अब सेम डे की क्वेश्चन ने अगले दिन भी नहीं कहा, क्वेश्चन कहता है आज के दिन ही हमने जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया उसी दिन हमने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो सेम 5 तारीख को ही, 5/1/17 को ही ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या एंट्रियां होंगी? बिल जो डिस्काउंट करा रहा है उसके यहां पर देखें पहले तो, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंटिंग में हमें चार्जेस निकालने हैं, करा अब कहें तो मैं वर्किंग नोट में बना दूं चार्जेस कितने आएंगे। चलो मैं वर्किंग नोट में बता देता हूं आपको चार्जेस कितने आएंगे। आइए मेरे साथ, यहां हमारा सॉल्यूशन तो स्टार्ट हो ही चुका है पहले, आइए सॉल्यूशन में हम पहला वर्किंग नोट बनाएं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। हमारे जो डिस्काउंटिंग के चार्जेस हैं वो कितने आएंगे? देखिए, 7,000 का बिल है, ठीक है, और रेट क्या है डिस्काउंटिंग का? 12% का रेट है सालाना का, पूरे साल भर का ब्याज है 12%। तो हमने कहा ठीक है जी, 12% ब्याज है, बट ये तो साल भर का है, हमें तो 2 महीने के लिए पैसा मिल चाहिए आपसे, तो 2 महीने का ब्याज लग गया, 12 से डिवाइड किया तो 1 महीने का आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 महीने का ब्याज आ गया। अच्छा, जरा 7,000 का 12% निकालो 2 महीने के लिए, मुझे कैलकुलेट करके बता दो कितना अमाउंट है जी। हाँ, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताइए मुझे आप, जल्दी बताइए जी,
कितना बता रहे हैं, 140 रुपए। ठीक है, 140 रुपए ये आ गया हमारे पास डिस्काउंटिंग चार्जेस, 140। ठीक है, आए अब इससे आगे चलें। डिस्काउंटिंग हमने अमाउंट निकाल लिया, तो यहां आ जाइए, ये किसकी बुक्स है, ये है ड्रॉवर की बुक जिसने डिस्काउंट कराया। बिल्कुल, तो ये एंट्री क्या करेगा, ये कहता है मुझे आज पैसा मिल जाएगा, कैश या बैंक दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, कैश लिख देते हैं मानिए, कैश अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट कराया तो उसका तो नुकसान हुआ है, ठीक है, इसको 7,000 में से 140 रुपए कम मिल रहे हैं, तो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है इसका लॉस है, डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है, डेबिट टू जो बिल था, भाई बिल मैंने डिस्काउंट करा लिया, बैंक को दे दिया, तो मेरा बिल तो खत्म हो गया ना, वो बिल मेरा आप क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, कितने मिले, 6,100 नहीं कितना था, 860 हो जाएंगे ना, कितने होंगे जरा बताइए भाई, 140 गए 7,000 में से, तो 6,860 आ गए। ठीक है, अच्छा 140 रुपए डिस्काउंट है जो हमने वर्किंग नोट वन में निकाला भी हुआ था, और ये 7,000 का बिल खत्म हो गया, यानी हमें तो पैसा आज मिल गया, अब ड्यू डेट पर बैंक जाने और ड्रॉवी जाने जिसने बिल पे करना है, हम तो फ्री आज। ठीक है, बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम फ्रॉम बैंक, बी आर को आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। आए इसके बाद अब डिस्काउंटिंग पर, यहां हमारा ड्रॉवी क्या एंट्री करेगा, ड्रॉवी कहता है ऑन डिस्काउंटिंग की बात करें तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री ऑन डिस्काउंटिंग। ठीक है जी, डिस्काउंटिंग की कोई एंट्री नहीं करेगा, अच्छा डिस्काउंटिंग की ये तो एंट्री नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पार्टी नहीं है ड्रॉवी, बट बैंक ने तो पैसा दिया है, बैंक ने तो ट्रांजेक्शन किया है, बैंक इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में, तो बैंक एंट्री करेगा अपने यहां आज के दिन 5 तारीख को ही, क्योंकि सेम डे ही पर डिस्काउंटिंग भी हो गई बिल एक्सेप्टेंस के साथ ही, तो बैंक कहता है मैंने पैसा दिया है आपको, तो पैसा दिया है और उसके बदले मुझे क्या मिला, एक नया एसेट मिल गया जिसका नाम क्या है, बिल रिसीवेबल। बैंक कहता है मुझे एक एसेट मिल गया जिसका नाम है बिल रिसीवेबल, तो डेबिट कर दिया एसेट बना दो, साथ में मैंने आपको पैसा दिया है तो मेरा यहाँ का कैश का बैलेंस कम हो गया, और क्योंकि 7,000 का बिल मिल गया, एसेट मिला और पैसा देना पड़ा केवल 6,680, 140 रुपए का मेरा फायदा हो गया, फायदा है तो डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग जो चार्जेस थे वो बैंक की क्या हो गई, इनकम हो गई, इसलिए बैंक में क्रेडिट हो गया वो। चलिए नरेशन, बी आर डिस्काउंटेड एट द रेट 12% पर एनम, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, चलिए जी, तो ये डिस्काउंटिंग हुई आज के दिन। अब आते हैं ड्यू डेट पर, ड्यू डेट हमने निकाली थी कि 8 मार्च हमारी ड्यू डेट है, तो 8 मार्च पर चलते हैं। अब 8 मार्च की बात करें तो ये लीजिए जी, 8 मार्च 17 ऑन ड्यू डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल की ड्यू डेट है उस दिन क्या बात करेंगे, उस दिन अगर हम कहें ड्रॉवर के यहां जिसने बिल डिस्काउंट करा लिया था उसके पास आज बिल ही नहीं है, तो उसको तो इन्वॉल्व ही नहीं है पैसा, उसने ना तो लेना है ना देना है, तो आज जिस दिन ड्यू डेट है ये कोई भी एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री, इसके यहां कोई नहीं एंट्री होगी। ठीक है, चलिए, अच्छा अगर बात करें ड्रॉवी की जिसने पेमेंट करना है, ये क्या एंट्री करेगा 8 तारीख को, 8 मार्च को 2017 भी लिख देता हूं, ये लीजिए, ये कहता है मैंने पेमेंट करनी है, मैं पेमेंट कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ड्यू डेट पर पेमेंट हो गई, तो ये पेमेंट करेगा, तो ये कहता है पेमेंट जैसे ही अगर मैं आज कर रहा हूं तो मेरा जो बिल पेबल था खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी मैं सेटल ऑफ कर रहा हूं, तो बिल पेबल मेरा खत्म क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी टू कैश, कैश या बैंक आप लिख सकते हैं। ठीक है, 7,000 की पेमेंट कर दी मैंने, किसको की मैंने, जिसके पास बिल था वो मेरे पास आया, मैंने उसे पेमेंट कर दी, अब पेमेंट किसको दी है इसने, बैंक को, क्योंकि बिल किसके पास था, बैंक के पास, बैंक ने डिस्काउंट किया था इसको। पीपी पेड यानी बिल पेबल पेड टू बैंक ऑन ड्यू डेट, अच्छा अब ड्रॉवी ने पेमेंट की है तो बैंक को पेमेंट मिली भी होगी आज के दिन, आइए क्या एंट्री करेगा बैंक 8/3/17 को, बैंक कहता है हमें आज पैसा मिल गया जी, ये लो जी कैश मिल गया, कैश या बैंक लिख सकते हैं आप यहाँ पे, टू कहता है जब हमें पैसा मिल गया तो उसके बदले जो एसेट था जिससे एसेट पैसा मिलना था वो एसेट खत्म, ठीक है हमने एसेट दे दिया ना, और उसके बदले क्या ले लिया, कैश ले लिया, आइए 7,000 रुपए। ठीक है जी, चलिए नरेशन क्या हो जाएगी, वी आर ड्यूली रिसीव्ड
ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर बीआर का पैसा हमें मिल गया। चलिए तो ये हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आप कहें तो मैं आपको एक बार सारी चीजें दोबारा आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं, थोड़ा छोटा करता हूं इस साइज को मैं। ये लीजिए, आई होप आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहा है, ये तीनों की बुक्स दिख रही है ना। चलिए जी, ड्रॉवर की भी दिख रही है आपके यहां पर। ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉवी है और ये बैंक है। वैसे बैंक की एंट्रीज मांगी नहीं है क्वेश्चन ने, बट मैंने आपको समझाने के पर्पज से ये एंट्रियां बता दी हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे इसके बाद। हाँ, वर्किंग नोट आपने देखना हो तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारा वर्किंग नोट था जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने निकाले थे। चलिए जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इसे आप लिख लीजिए।